तो दोस्तों इंडिया के सामने होगा बांग्लादेश, सुपर एट का दूसरा मुकाबला खेलेगी भारत बांग्लादेश के सामने। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवंस के बारे में, साथ ही साथ दोस्तों आपको बताने वाला हूँ पिच रिपोर्ट इस मैच की, साथ ही साथ दोस्तों इंडिया इस मैच को कैसे जीतेगा और बांग्लादेश इस मैच को कैसे जीत सकता है, मतलब दोस्तों टीम इंडिया इस मैच को कैसे हार सकता है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों यहां जो है मेरे हिसाब से फास्टर बॉलर चलेंगे और ज्यादा स्पिनर बॉलर नहीं चलते हैं, लेकिन दोस्तों यहां जो है मेरे हिसाब से विकेट्स लेने हो तो स्पिनर बॉलर जरूर ले सकते हैं, कुलदीप यादव ऐसे बॉलर यहां जो है चल सकते हैं। और दोस्तों बांग्लादेश के पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो है यहां जो है फास्टर बॉलर चलेंगे। इस ग्राउंड पे कौन सा मैच खेला गया था तो आपको जो है समझ में आ जाएगा, साउथ अफ्रीका यूएसए में मैच खेला गया था वो दोस्तों यही खेला गया था। और दोस्तों हमने देखा कि यहाँ जो है मेरे हिसाब से ठीक ठाक रन बने और दोस्तों यूएसए जैसी टीम यहाँ चेज हो सकता था, बहुत ज्यादा पास आ गए थे लेकिन चेज हुआ नहीं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसी ये पिच है, बैटिंग चलेगी, वेस्ट इंडीज में मैचेस हो रहे हैं तो बैटिंग तो चलेगी ही। दोस्तों दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं, देखे दोस्तों इंडिया की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा विराट कोहली ओपनर्स होंगे और दोस्तों इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दोस्तों एक बात ये है कि मैं जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच से पहले, तो दोस्तों अगर जायसवाल मेरे हिसाब से खेलते हैं तो दोस्तों इनको आप कंसीडर कर लेना, यहाँ कोई चेंज नहीं होता, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा यही दोनों ओपनर्स होंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे ऋषभ पंत, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे दोस्तों मेरे हिसाब से शिवम दुबे, नंबर 7 अक्षर पटेल, नंबर 8 पे कुलदीप यादव, नंबर 9 पे दोस्तों मेरे हिसाब से मोहम्मद सिराज, हर्षदीप सिंह ये दोनों खेलेंगे दोस्तों और बुमराह। तो देखिए दोस्तों ये जो है मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 है इस सीजन की टीम इंडिया की इस T20 वर्ल्ड कप में, और इसमें कोई चेंज होना नहीं चाहिए। चहल आ सकते हैं मोहम्मद सिराज की जगह और कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जैसे फास्टिंग बॉलिंग चल रही है इन पिचेस पे मुझे नहीं लगता चेंज होना चाहिए, तो देखते हैं क्या होगा। दोस्तों बांग्लादेश की बात करें तो देखिए दोस्तों तंजीद हसन जो है ओपनिंग के लिए आएंगे और दोस्तों नजमुल शांतो जो है वो उनके साथ दोस्तों ओपनर्स होंगे। लिटन दास जो है नंबर 3 पे बतौर ओपनर खेल सकते हैं, इसके चांसेस इसीलिए है क्योंकि दोस्तों इनके रिकॉर्ड्स ना इंडिया के सामने बहुत बढ़िया है और दोस्तों जब जब ये इंडिया के सामने आते हैं इनकी जो बैटिंग है वो बहुत बढ़िया हो जाती है, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चल सकते हैं इस मैच में। और दोस्तों शाकिब अल हसन और मेरे हिसाब से हरुडिया है और साथ ही साथ दोस्तों यम रियाद है, साथ ही साथ दोस्तों जाकर अली और दोस्तों रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, तंजीद शाकिब और साथ ही साथ दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान। तो दोस्तों ये जो है मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 है बांग्लादेश की। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो है चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े खिलाड़ी जो है इस टीम में नहीं है और अगर वो इस टीम में खेलते हैं तो मेरे हिसाब से जो है ये टीम और भी बेस्ट दिख सकती है, लेकिन दोस्तों उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है बेस्ट प्लेइंग 11 जो है इस सीजन की इनकी हो सकती है और दोस्तों इस मैच में जो है यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं टीम इंडिया इस मैच को कैसे जीत सकता है। टीम इंडिया से पहले बांग्लादेश की बात कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश एक ऐसी टीम है हमें हरा सकती है, लेकिन कैसे हरा सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि अगर चलेंगे तो मेरे हिसाब से इंडिया हारेगी, शाकिब अल हसन, दूसरे मैंने आपको बता दिया लिटन दास। ये दो खिलाड़ी दोस्तों ऐसे है ना अगर ये चल जाते हैं तो बांग्लादेश इस मैच को जीत सकता है। ऐसे तो दोस्तों इंडिया के ज्यादा चांसेस है लेकिन मेरे हिसाब से बांग्लादेश के इसकी वजह से चांसेस बन जाते हैं क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश एक ऐसी टीम है दोस्तों इनके पास दोस्तों खोने के लिए कुछ नहीं है, ऐसी टीम है दोस्तों कभी भी किसी भी टीम को हरा सकती है। तो मेरे हिसाब से इंडिया को इस बात को ध्यान में रखना होगा, ये दोस्तों एक टीम है, ऐसा नहीं दोस्तों कि हम जो है इन्हें हर बार हरा देते हैं इस बार भी हरा देंगे, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक गेम ही ऐसा है कि यहाँ जो है कोई भी टीम जीत सकती है। तो यहाँ जो है थोड़ा सा मेरे हिसाब से टीम इंडिया को ध्यान रखना है, दो खिलाड़ी बताए अगर वो चल जाते हैं टीम इंडिया ये मैच हार सकता है। और दोस्तों एक और खिलाड़ी है जो अगर चलता है तो मेरे हिसाब से जो है टीम इंडिया की बैटिंग दोस्तों कुछ भी नहीं चलेगी, वो है दोस्तों मेरे हिसाब से तस्किन अहमद। दोस्तों इनके पास स्विंग बॉलिंग है और मेरे हिसाब से जो स्विंग बॉल कर सकता है वो दोस्तों विराट कोहली, रोहित शर्मा को दोस्तों आउट भी कर सकता है, तो दोस्तों इन पे जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात तो ये है मुस्तफिजुर रहमान है, लेकिन दोस्तों उनको थोड़ा सा अच्छा खेलते हैं दोनों बैट्समैन हमारे, लेकिन दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान एक ऐसे बॉलर है जिनको दोस्तों विराट कोहली रोहित शर्मा वीकनेस पता है, तो ये भी थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। अगर दोस्तों टीम इंडिया हार जाती है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो चार खिलाड़ियों का होगा। दोस्तों अगर टीम इंडिया को इस मैच में जीतना है तो दोस्तों मेरे हिसाब से विराट कोहली चलने चाहिए और दोस्तों मेरे हिसाब से जो है और जो दो तीन बैट्समैन है उनको भी अच्छे से खेलना होगा क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश जो है इनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इनकी बॉलिंग जो है वो बहुत बढ़िया है। अगर बांग्लादेश जो है टॉस जीत जाता है तो दोस्तों बॉलिंग ले ले, या अगर टीम इंडिया के बैट्समैन नहीं चलते हैं आउट हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से जो है टीम जो है कहीं ना कहीं हार सकती है क्योंकि दोस्तों टीम इंडिया की बैटिंग ऐसी है अगर वो चल जाती है तो मेरे हिसाब से मैच निकाल सकते हैं सभी के सभी खिलाड़ी। ऐसे तो दोस्तों हमारे पास बॉलर अच्छे हैं लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के बैट्समैन को चलना होगा तभी दोस्तों हम ये मैच जीत सकेंगे। तो दोस्तों मैंने तो बता दिया टीम इंडिया कैसे जीतेगी, बांग्लादेश कैसे जीतेगी, इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।